आईसीसी के सीईओ जॉफ एलार्डिस ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने पर मिलने वाली भारी भरकम प्राइस पूल का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 12 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर अप यानी सेकंड आने वाली टीम को 5.85 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। और यदि फाइनल किन्हीं कारणों से ड्रॉ हो जाता है तो पहले और दूसरे स्थान पर आने वाली टीमों के टोटल प्राइस को दोनों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से 22 जून के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने जहां इंग्लैंड को उन्हीं के घर में पटखनी दी है, तो वहीं भारत के इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और जडेजा जैसे खिलाड़ियों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी दिखाई है। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को लगभग 4 करोड़ और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि इनाम के तौर पर दी जाएगी।